सो वेलकम टू द क्लास। आज हमारा टॉपिक है इरिगेशन मेथड्स। ओके, सो हम डिस्कशन करेंगे इरिगेशन मेथड के बारे में। जैसे कि वेल्स, टू टाइप्स ऑफ वेल्स आर यूज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए टू टाइप्स ऑफ वेल यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट आज देखते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या है यार? ट्यूबवेल एक स्ट्रक्चर है दैट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द अंडरग्राउंड वाटर। ओके, एक्सट्रैक्ट दी अंडरग्राउंड वाटर, ये यूज होता है। ओके, सो दैट इज ट्यूबवेल। देन अनदर इज योर डॉग वेल्स। डॉग वेल आर द वेल्स डॉग इन द अंडरग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर। मतलब डॉग वेल क्या है? वेल डॉग इन ग्राउंड, ग्राउंड में डॉग किया जाता है। एंड वाटर फ्रॉम डॉग वेल एंड ट्यूबवेल बोथ लिफ्टेड बाई यूजिंग पंप यूज करके उसको और लाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जो इरिगेशन मेथड आता है दैट इज अवर कैनल। क्लियर? सो कैनल मेथड में भी होता है। देखो कैनल जो सिस्टम ऑफ नेटवर्क क्रिएटेड टू मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वाटर सच एज स्ट्रीम और रिजर्वर, वहाँ से जाता है। मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच। ओके, दैट स्प्रेड बाय थ्रू द फील्ड सो दैट वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, दैट इज कैनल। देन आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ओके, रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर डायरेक्टली फॉर इरिगेशन पर्पस। दिस सिस्टम इज सक्सेसफुल इन एरिया वेयर द कैनाल सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल। जहाँ पर कैनाल सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है वहाँ पर क्या किया जाता है? रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टैंक। ओके, टैंक क्या होता है? फार्मर्स ओके ओपन यूज स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर। उसमें क्या होता है? हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, और सप्लाई वाटर। ठीक है, इट इज सप्लाई वाटर इन स्मॉल फील्ड्स में। ठीक है, दैट इज अवर टैंक। देन आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो जस्ट लेटिंग द रेन वाटर फ्लो वे फार्मर्स ओपन स्टोर इन रिजर्वर टैंक। अगर पानी आया, ज़्यादा पानी भेज जाता है, उसको हम क्या करते हैं? रिजर्वर में रखते हैं। ओके, उसको रिजर्वर टैंक के में हम स्टोर करेंगे एंड इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। दैट इज अवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, देन सो नेक्स्ट आता है वाटर साइड मैनेजमेंट। ओके, जो स्मॉल डैम्स रिवर के ऊपर बनाए होता है, इट इज मेड दैट स्मॉल रिवर्स आर मेड ओवर एंड स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्राउंड लेवल्स। ओके, सो क्या होता है? ग्राउंड लेवल्स ऑफ द एरिया, समझ में आ रहा है? एंड दीज चेक डैम्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड कॉजिंग सॉयल इरोजन। उसमें क्या होता है? स्मॉल डैम हम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर या स्ट्रीम के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्राउंड लेवल ऑफ द एरिया। ओके, ग्राउंड लेवल को इंक्रीज करने के लिए इसमें प्रिवेंट होता है वाटर फ्लोइंग एंड कॉजिंग सॉयल इरोजन, जैसे कि सॉयल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, देन हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सभी है। ओके, फर्स्ट देखते हैं हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग इट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। अगर सेम फील्ड में ग्रो करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। द मेन एम ऑफ दिस क्रॉपिंग मेथड टू एनश्योर सम फील्ड इवन इफ वन ऑफ द क्रॉप्स फेल टू ग्रो प्रॉपरली। ओके, दैट मीन्स द मेन एम ये क्रॉपिंग मेथड का क्या है? सम फील्ड इफ क्रॉप ग्रो नहीं किया तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम इफ यू थिंक वन क्रॉप इज नॉट ग्रोन प्रॉपरली देन अनदर क्रॉप ग्रो प्रॉपरली। ओके, देन द सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर कंबाइंड एंड प्लांटेड टुगेदर। उसमें क्या होता है? डिफरेंट सीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स क्या क्या जाते हैं? क्रॉप एंड कंबाइंड एंड प्लांट टुगेदर एंड सम फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर ऑल द क्रॉप्स। ओके, ऑल द क्रॉप्स के लिए हम सेम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं व्हीट है, ग्राम है, मतलब व्हीट ग्राम किया जाएगा, व्हीट मस्टर्ड के साथ ग्राउंड नट सनफ्लावर ये सब मिक्स करके हम कर सकते हैं। दैट इज अवर मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, देन आता है हमारा इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, उसका मीनिंग पहले समझो। इंटर मतलब क्या है? इंटर क्रॉपिंग क्या है? ओके, ये दिस इज ए क्रॉपिंग मेथड। ओके, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन फील्ड बट इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। इसमें क्या किया जाता है? स्पेसिफिक पैटर्न में हम ग्रो करते हैं। क्लियर? एंड द सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर नॉट कॉम्बाइंड बिफोर प्लांटेशन। ओके, कॉम्बाइंड नहीं किया जाता है सीड्स
क्रॉप का कंबाइन नहीं किया जाता है प्लांटेशन से पहले। एंड बोथ द क्रॉप्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं सो दैट हमें मैक्सिमम डिपेंडिंग मदर ऑन रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट के है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जैसे मैक्सिमम होगा सिंस द क्रॉप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। ओके, दे कुड यूज मैक्सिमम न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलता है। डिजीज एंड पेस्ट वुड ऑल्सो नॉट इजीली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स डिफरेंट रहता है सो डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन क्रॉप्स टू अनदर क्रॉप्स बिकॉज यू नो दैट सम पेस्ट आर स्पेसिफिक टू वन टाइप ऑफ क्रॉप। ओके, सो दैट मीन्स दैर इज ए मिक्सड प्लांट, सो लाइक दिस है फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मेज, ओके फिंगर मिलेट्स एंड काउपी, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। ओके, देन विच द क्रॉप रोटेशन, ओके क्रॉप रोटेशन, सो वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप रोटेशन। ओके, इन दिस क्रॉपिंग मेथड व्हाट हैपेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर चोजन एंड इरिगेटेड ऑन द सेम फील्ड ऑफ लैंड सिक्वेंशियली, दैट मीन्स क्रॉप वन आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन। ओके, एंड द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड करता है अपन द सोयल क्लाइमेट वाटर रिटेंशन ऑफ द सोयल। ओके, देन हाउ इज क्रॉप रोटेशन यूजफुल, क्रॉप रोटेशन कैसे हमारा यूजफुल है। ओके, हाउ द क्रॉप रोटेशन इज यूजफुल, इफ फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द लैंड फॉर लॉन्ग टर्म द सेम न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिप्लीटिंग फ्रॉम द सॉइल व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, फार्मर्स ग्रो करते हैं सेम क्रॉप लैंड में लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है डिप्लीट किया जाएगा सॉइल से और फर्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट व्हेन द क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, क्रॉप का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ग्रोन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट एनरिच एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज मेंटेन, लैंड का फर्टिलिटी मेंटेन होता है। ओके, एंड डिफरेंट क्रॉप्स जो है आर नॉन ससेप्टेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स अगर है तो ऑल काइंड ऑफ पेस्ट के डिजीज ससेप्टेबल नहीं है। ओके, एंड डिफरेंट क्रॉप्स अगर हमर इफ वी डू इन रोटेशन कैन लीड टू बेटर यील्ड, अगर हम रोटेशन में करेंगे क्योंकि डिफरेंट क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट डिफरेंट है। देन क्रॉप रोटेशन अलाउज रिडक्शन इन नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ऑन द फील्ड। ओके, क्रॉप रोटेशन हमें क्या करता है, रिडक्शन नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स लेस इनकट होता है, क्यों कैसे होता है कि इफ वन क्रॉप इज ग्रोन देन इट यूज सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एंड अनदर क्रॉप आफ्टर इज ग्रोन दैट एंड इट यूजेस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रॉम द सॉइल सो दैट दैट मीन्स वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज यूज बाय वन प्लांट अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट अनदर। ओके, सो दैट न्यूट्रिएंट डेफिसिट इज रिड्यूस इन द सेम केस इफ यू ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप व्हाट हैपेंस देन सेम टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सो द शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। क्लियर? ओके, सो वी कैन से दैट क्रॉप रोटेशन अलाउ ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ऑन द फील्ड्स। देन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो क्या क्या फैक्टर्स है, ओके दैट इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वीड्स पेस्ट डिजीज ये सब इफेक्ट करता है। फर्स्ट देखते हैं वीड्स के अलोंग विथ क्रॉप समटाइम्स सम अदर प्लांट्स ग्रो व्हिच आर नॉट नीडेड, जो प्लांट क्रॉप के साथ रहता है जो हमें नीड नहीं रहता। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड वीड्स एंड इट इफेक्ट द क्रॉप इज द यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस सॉइल दैट आर मीन टू बी यूज बाई द क्रॉप्स। सो ये वीड्स क्या करता है, इफेक्ट करता है क्रॉप को। ओके, एज दे यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर मीन टू बी यूज बाई द क्रॉप्स, वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स यूज करता है। ओके, सो क्या होता है, दैट आर मीन टू यूज, सो न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट होता है, सो उसको क्या करना है, रिमूव करना है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका डिफरेंट मेथड देखेंगे, हाउ वी कैन कंट्रोल द वीड्स बिकॉज इट कम्पीट विथ द न्यूट्रिएंट फॉर न्यूट्रिएंट्स विथ द क्रॉप्स। ओके, सो वीड कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स। वीडिसाइड हम क्या करेंगे, वीडिसाइड स्प्रे करेंगे देन इट विल किल द वीड्स एंड डज नॉट हार्म एनी क्रॉप्स का। देन वीड्स कैन बी अपरूटेड मैनुअली बाई द फार्मर्स, जैसे कि मैनुअली हम हैंड में क्या करेंगे, एक एक वीड्स को हम रिमूव कर देंगे, ये भी एक मेथड है। क्रॉप इज सोन टाइमली नॉट अफेक्टेड बाई वीड्स, अगर हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को सोन करेंगे टाइमली, मतलब लेट या अर्ली ऐसे नहीं करेंगे, अगर टाइमली करेंगे तो वीड्स लेस होगा।
ओके एंड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग, अगर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग करेंगे ओके सच एज क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, इट ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोइंग वुड्स, ग्रोइंग वुड्स नहीं होगा, क्लियर। देन पेस्ट, देखो सेवरल पेस्ट किसको बोलेंगे हम, पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट इफेक्ट द क्रॉप्स इन डिफरेंट वे में, ओके जैसे कि देखें कट द पार्ट्स ऑफ द क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स लीव्स स्टेम, उसको क्या कर सकते हैं वो कट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं देखें गेट इन द स्टेम, मतलब स्टेम के अंदर घुस सकते हैं ओके रूट्स के अंदर भी घुस सकते हैं ओके द सॉक द सेल्स ऑफ ऑफ द प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय देम, वो क्या कर सकते हैं सेल्स आपको सॉक करते हैं ओके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम पेस्ट कंट्रोलिंग मेथड, क्या देखेंगे हम पेस्ट कंट्रोलिंग मेथड, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स टू किल द जर्म, क्या करेंगे हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड क्या करेंगे हम उसको स्प्रे करेंगे फील्ड में जर्म्स किल करने के लिए। क्रॉप शुड बी चेक टाइमली टू एंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट, क्रॉप को क्या करेंगे हम चेक करेंगे टाइमली सो दैट एंश्योर दी सेफ्टी अगेंस्ट पेस्ट, सेफ्टी अगेंस्ट पेस्ट ओके। देन यूसेज ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग मेथड्स जैसे कि क्रॉप रिटर्न, तो इसे क्या होगा हम इंसेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में हम इंसेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं ओके। एंड समटाइम्स समर प्लाइविंग ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द वुड्स एंड पेस्ट, अगर हम समर प्लाइविंग करेंगे उसमें वुड्स और पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंट पेस्ट कंट्रोलिंग मेथड्स में जाता है ओके। सो नेक्स्ट हम डिजीज और उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ओके। इफ यू आर व्यूइंग द चैनल फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ फ्रेंड्स so that they can also get this online study, and if you subscribe then you can get the notification when our new video come okay, thank you।